तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या मतलब होता है एक्चुअल में ऑफ डिले टाइमर। मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि ऑफ डिले टाइमर को हम कैसे यूज करेंगे ऑटोमेशन में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम ऑफ डिले टाइमर की वायरिंग करेंगे, जहां पे हम इनपुट साइड पे यूज करेंगे सेंसर्स को और आउटपुट साइड पे हम यूज करेंगे एसी लोड को। ऑफ डिले का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है जब हम ऑटोमेशन करेंगे। मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और साथ में सर्किट डायग्राम भी दूंगा, जिसको आप प्रेफर कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको बिहाइंड द सीन्स और रीसेंट अपडेट्स मिल सके कि क्या क्या ऑटोमेशन सोल्यूशन पे मैं काम करता हूँ। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हर वीडियो में सेंसर ही क्यों होते हैं, तो उसका आंसर मैं देता हूं। ऑटोमेशन में तीन चीजें चाहिए होती है, एक होता है हमारा इनपुट्स, एक होता है हमारा आउटपुट्स और बीच में होता है कंट्रोलिंग पार्ट। इनपुट साइड पे हम स्विचेस को यूज कर सकते हैं या फिर हम सेंसर को यूज कर सकते हैं, और कंट्रोलिंग पार्ट पे हमारा पीएलसी काउंटर, जो भी हमारा जो ऐसा डिवाइस है जो हमारे इनपुट्स को मैनिपुलेट करके हमें रिक्वायर्ड आउटपुट दे पाए। आउटपुट्स में हमारी आ गई मोटर्स हो गई या हमारे एसी डीसी लोड्स हो गए, तो मैं रेफरेंस के लिए सेंसर को यूज करता हूं और बीच में जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो मैं यहाँ पे ऑफ डिले टाइमर यूज करूंगा और आउटपुट साइड पे मैं एसी लोड को यूज करूंगा। अगर आपको ये रेफरेंस समझ आएगा तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो जिसमें रिक्वायरमेंट्स हो एसी डीसी या जो भी आपको लोड ऑपरेट करना है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ऑफ डिले का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मेरा सेंसर है और यहाँ पे मैंने सर्किट लगाया हुआ है, मैंने ऑफ डिले और मैंने यहाँ पे लोड कनेक्ट किया हुआ है जो यहाँ पे एसी का है। तो अब देखो ऑफ डिले का मतलब क्या है। जब टारगेट आता है सेंसर के सामने तो लोड ऑन हो जाता है, और लोड देखो जब टारगेट मैं हटा देता हूं तो जो टाइम मैंने सेट किया उतनी देर तक मेरा लोड ऑन रहता है। तो आप समझना जरूरी है कि आप ऑफ डिले यहाँ पे काम कैसे कर रहा है। ऑफ डिले का मतलब ये है कि जब सिग्नल हटेगा सेंसर के सामने तो जो टाइम जो हमने सेट किया उतनी देर तक वो लोड को ऑन रखेगा, इसको बोलते हैं ऑफ डिले। दोबारा देखो ऑपरेशन में हो क्या रहा है। जब टारगेट आया लोड ऑन है मेरा, पर वो तभी वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा जब मेरा टारगेट हट जाएगा। जो टाइम मैं सेट करूंगा उतनी देर तक मेरा लोड ऑन कंडीशन में रहेगा। आप देख सकते हो कि लोड पहले ऑन हो जाता है जैसे ही टारगेट आता है। अभी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई, काउंटिंग तब स्टार्ट होगी जब मेरा लोड टारगेट से हट जाएगा। मैंने 3 सेकंड सेट किया हुआ था तो 3 सेकंड के बाद मेरा लोड ऑफ स्टेट पे आ जाता है। आपको ये समझना जरूरी है ऑटोमेशन में टाइमर्स की विजुअलाइजेशन, कि टाइमर्स कैसे काम कर रहे हैं, तब भी हम उसको अपने एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने ये चीज देखी है, जब हमें ये समझ आएगा कि आखिर जब एप्लीकेशन में टाइमर्स कैसे काम कर रहे हैं तब भी हम उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा दिखा देगा तुम्हें एक बार ऑपरेशन। जब टारगेट आता है काउंटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, जब टारगेट हट जाता है जो टाइम सेट किया है मैंने उसके बाद मेरा टाइमर उसको बंद कर देता है। मैं जब टाइमर्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो मैं बड़ा फोकस करता हूं कि लोड कब ऑपरेट हो रहा है, सेंसर के सामने टारगेट आने के बाद ऑपरेट हो रहा है या सेंसर के टारगेट जाने के बाद ऑपरेट हो रहा है। ये जानना जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर टाइमर की टाइम सेटिंग होती है। अगर हम गलत टाइमर यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए तो जैसा हमने सोचा था या जैसा हम चाहते थे कि इस एप्लीकेशन में ये टाइमर वैसे काम करना चाहिए, वो वैसे काम भी नहीं करेगा। तो इसलिए हर एक टाइमर की प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है ऑटोमेशन में, चाहे वो पीएलसी के अंदर टाइमर हो, चाहे वो ये टाइमर मॉड्यूल को यूज करके टाइमर अपने एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हो। तो मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, मैंने ऑन डिले के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। मैंने साथ में वायरिंग भी दिखाई है, उसमें भी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि ऑन डिले का एक्चुअल में मतलब क्या है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग दिखा देता हूँ कि कैसे वायर करेंगे हम ऑफ डिले टाइमर को एक सेंसर और एक एसी लोड के साथ, और मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और साथ में सर्किट डायग्राम भी दूंगा। तो यहाँ पे मेरी SMPS जो 220 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगी, ये 4.5 एम्पीयर की SMPS है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव न्यूट्रल को कनेक्ट किया हुआ है जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई होगी।
ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, ये M18 टाइप डायमीटर है और इसकी सेंसिंग रेंज है 30 सेंटीमीटर। ये एक PNP टाइप सेंसर है और ये मेरा ऑफ डिले टाइमर। आप देख सकते हैं इसके साइड में आपको सर्किट भी दिया होगा कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। ये 220 वोल्ट AC और 24 वोल्ट DC पे काम करता है। ये एक रिले आउटपुट टाइप का एक ऑफ डिले टाइमर है, मतलब इसी के अंदर रिले लगी हुई है। आपको एक्स्ट्रा रिले लगाने की ज़रूरत नहीं जब आपको लोड को कनेक्ट करना है। याद रखना 5 एम्पीयर की रेटिंग लिखी हुई है इसके अंदर की रिले की। अगर आपको उससे ज़्यादा बड़ा लोड कनेक्ट करना है तो आपको इसके बाद कॉन्टैक्टर को लगाना चाहिए हायर रेटिंग का। इसमें 2 पोर्ट दिए हुए हैं, मैं बताऊंगा टाइम सेटिंग कैसे करनी है। और यहाँ पे आपका है AC लोड जो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेंसर में ब्राउन ब्लू ब्लैक वायर है। ब्राउन को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ, ब्लू को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ, और इसमें जो ब्लैक वायर है सेंसर की जो आउटपुट वायर उसको B3 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो A1 A2 भी है टाइमर में। A1 को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और A2 को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। इससे हमारी टाइमर की सप्लाई मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि भी हमने सेंसर और टाइमर के कनेक्शन कर लिए। सेंसर की ब्लैक वायर रहती है, वो सेंसर की ब्लैक वायर आउटपुट वायर है जो पॉजिटिव वोल्टेज होती है PNP के केस में। इसको हम B3 पे कनेक्ट करेंगे। ये इनपुट ट्रिगरिंग, ये कह सकते हो ट्रिगरिंग पल्स होएगी। जब टारगेट आएगा तब हमारा टाइमर ऑपरेट होना स्टार्ट होएगा। ब्लैक को हम B3 पे कनेक्ट करेंगे, B3 टर्मिनल आपको मिल जाएगा टाइमर पे। हमने B3 को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है टाइमर पे हमें कनेक्शन करना है। A1 और A3 को आपस में शॉर्ट करना है। अगर हम ये कनेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा टाइमर ऑपरेट नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, A1 और A3 को शॉर्ट करना है। अब हम लोड को कनेक्ट करेंगे जो यहाँ पे हमारा AC लोड है। तो मैं यहाँ पे एक बल्ब ले रहा हूँ और उसके कनेक्शन देखते हैं अब कैसे होंगे। उसमें जो एक वायर होएगी उसको हम डायरेक्टली लाइव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और उसका जो दूसरा एंड होएगा उसको हम 18 पिन नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे जो हमारा टाइमर का NO पॉइंट होएगा। आप देख सकते हैं कि हमने एक एंड को लाइव के साथ कनेक्ट किया और लोड का एक एंड को हमने जो 18 नंबर पिन था। और अब हम क्या करेंगे, हम एक वायर को लेंगे न्यूट्रल से, और न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे हम टाइमर के 15 नंबर से। 15 नंबर हमारा टाइमर की जो रिले है उसका कॉमन पॉइंट है। तो जैसे ही हमारा टाइमर ऑपरेट होएगा जब रिले के कॉन्टैक्ट, तो NC से NO पे चले जाएंगे। अब टाइमर की टाइम सेटिंग देख लेते हैं कि टाइम सेटिंग कैसे होगी। इसमें 2 पोर्ट लगे हुए हैं, इसमें पोर्ट A ऊपर वाला पोर्ट है इसमें, और इसमें पोर्ट B इसका नीचे वाला पोर्ट है। तो देखो अब इसमें टाइम सेटिंग कैसे होती है। इसमें टाइम सेटिंग कुछ इस तरह से होती है, जो टोटल टाइम होता है वो A × B होता है। मतलब ऊपर 3 सेकंड से लेके आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं, वो नीचे वाले टाइम से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लो मुझे 3 सेकंड सेट करना है, मैं ऊपर वाले को 3 पे सेट करता हूँ और नीचे वाले को 0.1 नहीं मैं 1 पे रखता हूँ, तो 3 × 1 इससे मेरा 3 सेकंड टाइम सेट हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ऐसे आप टाइम सेट कर सकते हैं। और याद रखना टाइमर को आपको ऑन ऑफ करना है। जब भी आप टाइम सेट कर दोगे तभी टाइम उसको रीड करेगा। तो ये हो गए हमारे कनेक्शंस। अब देखते हैं कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो जैसे ही टारगेट आता है टाइमर ऑन होता है, और जब टारगेट हट जाता है तो टाइमर उतनी देर तक लोड को ऑन रखता है। इसको बोलते हम ऑफ डिले टाइमर। आपके सामने क्लियरली वर्किंग है कि कैसे वर्क कर रहा है। मैंने 3 सेकंड का टाइम सेट किया था, 3 सेकंड के लिए मेरा लोड ऑन कंडीशन पे रहता है। आप देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली दिखा पाऊं और ऑफ डिले का कंसेप्ट समझाया कि क्या मतलब है एक्चुअल में ऑफ डिले का। आप ऑन डिले की भी वीडियो देख सकते हो, और मैं आगे वाली वीडियोस में जो टाइमर्स यूज होते हैं इंडस्ट्री में जो एक्चुअल में उनका मतलब समझाऊंगा, और आपको एक विजुअल ग्राफ विजुअली दिखाऊंगा कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम कर रही है इंडस्ट्री में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो। थैंक यू एवरीवन।